हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ओ पी पी एस सी ए टू थाउजेंड नाइनटीन के पेपर वन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं तो सॉलिड मैकेनिक्स से आप देखोगे कि फोर्टी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस से फर्टी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से थर्टी पूछे गए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रचर से ट्वेंटी पूछे गए बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर से थर्टी पूछे गए इस्टीमेशन कॉस्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से ट्वेंटी पूछे गए और टोटल जो है आपका वन एट्टी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अ मटेरियल कैन विदाउट इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट इज कॉल्ड तो बोल रहा है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम परल्यूम अ मटेरियल कैन विदाउट इट्स एक्सीडिंग लिमिट इज कॉल्ड तो प्रोपोर्शनल लिमिट को बोल रहा है कि एक्सीड नहीं करना है ओके तो जब प्रोपोर्शनल लिमिट को जो एक्सीड नहीं करता है मॉडल्स ऑफ सो मॉडल्स ऑफ रिजायस डि एज प्रूफ रिजायलेंस पर एरिया अंडर द स्टेशन अपू द इलास्टिक लिमिट ओके सो यहाँ तक का जो एरिया होता है वो होता है मॉडल ऑफ रिजायलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द लूडर्स लाइन इन अ मटेरियल इंडिकेट दैट सो लूडर्स लाइन इंडिकेट करता है आपका द मटेरियल इज फेलिंग इन सीयर सीयर फेलियर को इंडिकेट करता है नेक्स्ट

आप जानते माइनस सिग्मा एक्स इक्वल टू ये तो यहां पर आप सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा डालिए और सिग्मा वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं जीरो है और टॉ एक्स वाई भी आपका जीरो तो इस सब वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको जो फाइव की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी आपका फोर्टी फाइव डिग्री राइट नेक्स्ट वट इज अ टोटल इलोंगेशन ऑफिक बार ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए दंग्स मॉडलियल ई हैंग्स वर्टिकल ऑन वेड तो पहले टोटल इलोंगेशन क्या होगा एक बार है उसमें सारी प्रोपर्टी दी हुई है आपको अगर वो, वो वर्टिकली ऑन है आपको अंडर ठीक है तो वर्टिकली लोड जो उसका वेट के कारण जो लोड है उसके कारण उसमें क्या इलांगेशन होगा तो हम जानते हैं कि जो अगर कोई वर्टिकली हैंगिंग बार होता है उसमें जो उसमें चेंज इन लेब्लू एल बाब्लू राइट नेक्स्ट सेलेक्ट इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस सो फॉर बाय स्ट्रेस प्योर कब होता है प्योर कंडीशन so, right? so, होता है आपका जब सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई होता है मतलब वेन नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर प्लेन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज प्योर बट अपोजिट डायरेक्शन है माइनस साइन होना चाहिए सो so, वो होता है आपका प्योर सीयर कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो mm the in so, एक स्टील वायर है बोल रहा है सर्कुलर शेप में उसको बेंट किया गया इसका रेडियस है टेन मीटर तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा तो मैक्सिम स्ट्रेस आपका जो है कैसे निकालेंगे f इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है e by r into y ओके okay. सो so e आपका दिया हुआ है 2 okay. r, radius. Radius 10 6 kg पर स्क्वायर ओके डिवाइड बाय r रेडियस रेडियस आपका दिया हुआ है 10 मीटर को mm में चेंज कर लीजिए y मैक्स y मैक्स क्या है आपका y मैक्स आपका हो गया 10 जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेंटर से ऊपर तक डिस्टेंस क्या होगा y हो जाएगा हम hmm. सो so, सो टोटल so, क्या हो टू इंटू एट पर क्यू के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर के जी पर सेंटीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम डेट कैन बी कट आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड विद होमोजीनियस एंड एसोटोपिक प्रॉपर्टीज इज बोल रहा है कि जो रेशियो है विड्थ टू डेप्थ क्या होगा ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का ओके okay? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का कैसे निकालेंगे

क्या हो जाएगा आपका नो टेंशन कंडीशन में आपका पी इक्वल टू एम बाई जेड जेड होगा तो पी ए हो क्या होगा हो? सर्कुलर कॉलम है तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर और जेड पाई बाई थर्टी टू डी पर क्यू एम क्या होगा पी इन टू सेंट्रिस्टी के साथ ई hmm. e क्या होता है आपका डी बाई एट होता है मैक्सिमम लिमिट क्या होती है इसकी डी बाई एट होती है ओके सो डायमीटर ऑफ द कोर आप निकालेगा डी निकालिएगा तो आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव डी ओके क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव डी आपका आ जाएगा आंसर चलिए लोग चलते हैं। अम ऑफ रेक्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज हंड्रेड एम एम वाइड एंड टू is subjected to डीप इफ force सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू the maximum shear स्ट्रेस ऑफ द सेक्शन इज तो बोल रहा है एक बीम है जिसका क्वेश्चन क्या है 20 meter, 100 mm wide 200 mm deep है. तो सीयर फोर्स ट्वेंटी किलोमीटर लगा मैक्सिम सियर स्ट्रेस क्या होगा उस तो मैक्सिम सीयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि टॉम मैक्स थ्री बाई 2 टू एवरेज होता है तो टॉवरेज क्या होगा s बाई ट्वेंटी किलोमीटर सीयर फोर्स जो है हुआ है में कर दीजिए पर बी दिया आपका तो प्लेन ऑफ बेंडिंग सूट सो फॉर नो टेंशन प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होता है प्लेन ऑफ बेंडिंग पास थ्रो सीयर सेंटर ऑफ द सेक्शन क्योंकि सीयर सेंटर ऑफ द सेक्शन क्या होता है जहां पर टॉर्सन नहीं होता है सिर्फ बेंडिंग होता है सो

जेड बाय जेड एन तो सेक्शन मॉडल ऑफ जेड है और सेक्शन मॉडल तो इसका रेडियस आपको रेशियो निकालना पड़ेगा तो आप ये सारे वैल्यू के पुट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा वन पॉइंट वन एट मीन्स मीन्स क्या होगा जो स्क्वायर सेक्शन है वो कितना है वो ज्यादा मजबूत है किससे सर्कुलर सेक्शन से कितना वन पॉइंट वन इट टाइम तो, तो स्क्वायर से वो आपका मोर इकोनॉमिकल पड़ेगा राइट नेक्स्ट

है, तो तो लेंथ ऑफ़ द बीम बीम क्या होगा? दिया जीरो पॉइंट जीरो दिया डब्ल्यू क्यू बाई निकलिए जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू सिक्स अब डिफ्लेक्शन क्या होता है इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मुला क्या था डब्ल्यू एट फोर सो एब्ल्यू एल फोर एटीआई में आप आपका कितना दिया, 15 mm दिया हुआ है बट आपको डब्ल्यू आई का वैल्यू पता है आप सारे वैल्यू कीजिए और आपका 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 आ जाएगा, आपका 1 mm, 1 meter, आपका आ जाएगा। जाएगा। आंसर ऑप्शन विल बी वैल्यूट मीटर अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑफ मैक्सिमम सियर स्टेज डेवलप्ड सॉलिड साफ्ट ऑफ डायमी डी एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड स्मॉल डी फॉर द सेम टॉर्क इज गिवन बोला टू मैक्सिमम सर स्टेज डेवलप्ड सॉलिड क्या होता है फॉर्मूला देखिए फॉर सॉलिड क्या होता है सिक्सटीन टी बाई डी क्यू और हॉलो क्या होता है आपका फॉर्मूलाएगा फोर डेट इज डी फोर माइनस डी फोर डिवाइड बाई डी फॉर फोर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन मेंबर इज गिवन बाय एनर्जी

डी क्यू डिड बाई डी बाई टू का हो क्यू इक्वल टू एट सोटी नेक्स्ट द फेनोमिनटेरियल टू रिवर्सल इज कॉल्ड तो डिक्रीज रजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इन रिवर्सल स्ट्रेस केस में जो होता है वो होता है आपका फटीक उस फेनोम कहते हैं फटीक कहते हैं नेक्स्ट

डिफ्लेक्शन है सो so, डब्ल्यू 96 सिक्स अब इसका से क्या होगा इसका भी Ymax क्या होगा डब्लू एल क्यू डिफ्लेक्शन. दोनों का रिस्ट्यू कीजिएगा तो आपका आएगा फोर सो कट बी रिपीट ऑप्शन फोर इट इज फोर नेक्स्ट फॉर टाइल मटेरियल मोस्ट अप्रोप्रियट फेलियर थ्योरी फॉर टाइल मटेरियल जो होता है मोस्ट अप्रोप्रियट फेलियर थ्योरी होता है वो होता है आपका स्ट्रेन थ्योरी सीयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ओके okay? नेक्स्ट द स्ट्रेस बिलो विच अटेरियल है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस वो कहलाता है आपका लिमिट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडल के एंड मॉडलिटी जी द दॉजन्स रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज सो पॉज रेशियो होता है आपका थ्री के माइनस टू जी डिवाइड बाई सिक्स के प्लस टू जी क्स्ट क्वेश्चनि तो क्या बोल रहा है वहाँ पे कपल लगा हुआ है कपल लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका जब सोल्व कीजिएगा आप मोमेंट एरिया मैथड से तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डब एम एल स्क् वन विल बी द करेक्ट वन क्स्ट द सीयर सेंटर ऑफ अज डिफाइंड एज दैट पॉइंट तो सी सेंटर क्या होता है थ्रो विच लोड मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूसो ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन दिन पर टॉर्सन नहीं होता है जीरो सीयर सेंटर नेक्स्ट इफ अ थ्रीच पैराबोलिक आर्च कैरीज ओवर दर स्पानी आर्च इजेड टू तो बोल थ्री इंच पैराबोलिक आर्च है और उस पर टोटल स्पान पे तो उसमें कौन कौन से मोमेंट आएंगे बेंडिंग मोमेंट आएंगे, फोर्स सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट अप्लाई होता है ओके इफ द एरिया अंडर द सियर फोर्स डायग्राम ऑफ फॉर अ बीम बिटवीन द टू पॉइंट सी एंड डी इज के देन द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट एट

क्स्ट गिवेन दैट फॉर एन एलिमेंट इन बॉडी ऑफ होमोजीनियसोटो टू प्लेन एक्सलेंस वाई एंडल एक्ट इन एक्स वा एंड जेड डायरेक्शन रेस्टिवली एंड म्यू इज देश मैग्ट्यूड ऑफ यूनिट चेंज ऑफ द एलिमेंट इज गि बोल रहा है उसमें

इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेडर बार विल दोनों कंपोजिट बार बना हुआ है स्टील और कॉपर से दोनों को हीट किया जा रहा है तो कॉपर बार में जो है कंप्रेशन आएगा सीयर स्टेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन जो होता है वो होता है आपका जीरो नेक्स्ट अरेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज ओवर इज फुल स्पान ऑफ लोड वेरिंग लीनियरली फ्रॉम जीरो एट मिड स्पान द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मोमेंट अकर्स एट तो मैक्सिमम बेंडिंग बोल रहा में कहा होगा सिंपल बीम है और उस पर उसकी लेंथ एल है और लोड वेरिंग लोड उस पर फ्रॉम जीरो एक एंड पे और दूसरे एंड पे डब्ल्यू लग रहा है सो so, उसका इस तरह की कंडीशन आपका लग रहा है मिड hmm. स्पान पर है ओके पर यूनिट लेंथ एट तो वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू आपका हो जाएगा मिड स्पान एंड इट्स इक्वल टू डब्लू एल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कहा होगा मिड स्पान पर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू स्क्वायर बाय ट्वेल्व होगी कंसीडर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम फ्लिस्ट बीम तो फ्लिस्ट बीम का इसमें 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 तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है 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 बोल रहा है कौन सा है? तो इसमें जो है, वो आपका तीनों ऑप्शन सेक्शन मेड ऑफ टू और मोर मटीरियल ज्वाइन टूगेदर इन सच ए माइना डाइटेल बेंड्स टू द सेम कर्वेचर ओके है दोनों सेक्शन होता है इसमें दो उससे ज्यादा मटेरियल को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं जिससे कि वो एक जैसा बिहेव करे ओके सो तो ये होता है फ्रिज बीम तो पहला ऑप्शन करेक्ट है सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिज इक्वल टू द सम ऑफ द रजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन ओके तो मान लीजिए फ्रिज बीम उसमें बना हुआ है टिम्बर का एक है और उसमें स्टील बना हुआ है तो दोनों का मोमेंट रेजिस्टेंस को एड करने पे जो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए वो फ्रिस्ट बीम के इक्वल होना चाहिए ये भी ऑप्शन सही है थर्ड क्या है फ्लिस्ड बीम आर यूज ऑफ वन मटेरियल इफ यूज ए वुड रिक्वायर क्वाइट अ लार्ज क्रॉस एरिया तो मान लीजिए आप किसी एक टिम्बर का बीम दे रहे हो तो लोड ज्यादा आ रहा है तो उसका क्या सेक्शन बड़ा आपको देना पड़ेगा तो सेक्शन को कम करने के लिए आप उसमें क्या करते हो स्टील की प्लेट लगाते हो तो उससे क्या होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है तो ये ऑप्शन भी आपको सही है तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन

नेक्स्ट क्स्ट चलते हैं इफ द डायमीटर ऑफ अ इफायमी टू अ टॉर्क एलोन इज डबल्ड पावर पी कैन बी इंक्रीज टू तो बोल रहा है कि तो जो टॉर्क है वो डायमीटर ऑफ जो है वो डबल कर दिया गया है उसमें सिर्फ टॉर्क लग रहा है तो उसमें पावर पे हॉर्स पावर पे क्या इंक्रीज होगा ओके okay? तो पावर क्या होता है देखिए रिलेशनशिप पावर डायरेक्टली पर्सन टू टॉर्क इज डायरेक्टली पर्सन टू डी टू पर क्यू डायर क्यू ओके सो अगर टॉर्क बढ़ेगा तो डायमीटर क्यू बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा सो

तो बोल रहा है कि एक फ्लिस्ड बीम है ओके okay? फ्लिस्ड बीम है उसके दोनों तरफ साइड में क्या किया गया है दो स्टील का प्लेट लगाया गया है हाँ। तो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है यहां पर आपको निकालना है मॉडल ऑफ प्लास्टिक विर्थ कितना होगा टोटल का सेक्शन का विर्थ कितना होगा तो मॉडल ऑफ प्लास्टिक आपका दिया हुआ है ट्वेंटी टाइम दैट ऑफ वुड स्टील ऑफ मॉडल स्टील इक्वल टू वुड इक्वल टू ट्वेंटी दिया हुआ है ट्वेंटी सो बीसीवी जो विज बी प्लस टू दो प्लेट लगा हुआ टू इंटू एम इंटू थी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या? क्या था स्टेटमेंट आपका द लास्टिक मॉडल सेलेक्शन डज नॉट अफेक्ट सेफ फैक्टर जबकि लास्टिक मॉडल सेक्टर को अफेक्ट करता है राइट right?

नेक्स्ट, अ फिक्स्ड बीम ऑफ एट मीटर लेंथ इज सब्जेक्टेड टू सिंगल सेंट्रल कॉन्सेंट्रटेड लोड इफ द प्लास्टिक अल्टीमेट लोड मेथड इज़। सो अल्टीमेट लोड बोल रहा है कि इसमें से क्या होगा अगर फिक्स्ड बीम एट मीटर लेंथ है और उस पर सेंट्रल कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा है तो जो अल्टीमेट क्या होता है लोड डब्ल्यू इक्वल टू एट एम पी बाय

लाइक like, यहां पे देखिए इसमें एक लग रहा और एक से लग रहा है, तो कितना होगा तो इसमें हो जाएगा आपका टू आपको मैकेनिज्म आपको यूज करने पड़ेंगे नेक्स्ट व्हाट इज वैल्यूफ कम इंटरमेंडेंसीड स्टेटिकल इंडिपेंडेंसीिक्सिवली तो मान लीजिए कोई फिक्स बीम है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या यहाँ पर इस एंड पे भी जीरो है और इस एंड पे भी जीरो है

अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ फाइवी तो इनकेसलोडिंग नहीं होगा क्योंकि अगर कोई यहाँ पर पैराबोलिक थ्री पैराबोलिक आर्ट होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल थर्स लगता है इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई थ्री हिंस पैराबोलिक आर्ट होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल थर्स होता है नो बेंडिंग होता है तो सेम क्वेश्चन पे फिर से पूछा गया है आपको यहां पर जीरो ऑप्शन भरना है ऑप्शन थ्री नेक्स्ट विच मोमेंट ऑफ एनालिसिस तो इनमें से कौन सा जो है वो फोर्स मेथड है तो फोर्स मेथड आप देख लीजिए जितने भी यहां पर दिए हुए सभी फोर्स मैथड हैं तो इनमें से ऑप्शन में से कोई भी जो है वो फोर्स मेथड नहीं है नेक्स्ट

सो द नंबर ऑफ साइमेटेनस इक्वेशन मेथड इज इक्वल टू कैनामेटिक इंटरमेसी जितना इसका है उतना ही साइमोलस इक्वेशन तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना है इसमें थ्री है एक यहां पर है एक यहां पर है और एक यहां पर है इसमें थ्री टोटल जो है बनेंगे दैट इज ऑप्शन फोर होगा यहां पे ओके ऑप्शन फोर यहां पे होगा थ्री दिस इज रॉन्ग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टिफनेस ऑफ अ में आपका नेक्स्ट वैल्यू ऑफ बेंडिंग बिल्ट इन एंड ऑफ अटिक बीम ऑफ लेंथ एल कैरियल लोड पी एट द मिडिल तो बोल रहा है बेंडिंग वैल्यू क्या होगा अगर सिंगल कॉन्सट्रेट लोड इस बीम पे लग रहा है कितना पी मिडिल पे लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा माइनस पी एल एट यहाँ पे क्या होगा? 8, तो मैक्सिमम बेंडिंग जो है पीएल एट okay? पे नेक्स्ट द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ लेल एंड मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ एक्सक्रक्शन आई मेटल इज ई सब्जेक्टेड टू इनफॉर्मोड इज तो डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड क्या होगा तो डिफ्लेक्शन का फ्री एंड होता है अगर

दो अननोन होना चाहिए सिर्फ दो अननोन होना चाहिए अगर किसी ज्वाइंट पे तहीं वहां पर ही हम मेथड ऑफ ज्वाइंट को अप्लाई कर सकते हैं मतलब कि v zero, h zero, तो दो अननोन वहां पर हम मेथड ऑफ ज्वाइंट को अप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन द अननोन फोर्सेस ओके नेक्स्ट द डिग्री ऑफ स्टैटिक ऑफ इंटरमीनियर जॉइंटेड स्पेस फ्रेम इज वेयर एम आर एंड जी आर अननोन एज मेंबर में आर इज नोन एज रिएक्शन कंपोनेंट्स एंड जे इज नंबर ऑफ जॉइंट तो डिग्री ऑफ स्टैटिक

वहां पर ही कास्टिग्लानोस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज सो अगर प्रिज्मेटिक मेंबर का फार एंड हिंज है तो उसका जो कैरी ओवर फैक्टर होता है वो होता है आपका जीरो और अगर फिक्स है तो वो होता है हाफ और अगर गाइडेड रोलर है तो वहां होता है माइनस वन सो यहां पर हिंज दिया हुआ है तो आपके आंसर हो जाएगा जीरो नेक्स्ट

इक्वल माइंडेड होगा बट डायरेक्शन क्या होगा वो चेंज होगा डायरेक्शन और इधर क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके नेक्स्ट द प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू तो मूर बेस्ट ऑफ प्रिंसिपल क्यों यूज करते हैं टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स मीन मूलर बिस्पल ऑफ प्रिंसिपल फॉर ड्रॉइंग द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द रिएक्शन सीयर एंड मोमेंट एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम हम सब कुछ निकालने के लिए हम क्या करते हैं मूलर बेस्ट ऑफ प्रिंसिपल को यूज करते हैं

करेक्ट ऑप्शन विल भी क्या हो जाएगा वन डेट इज एम हो जाएगा आपका आंसर ठीक है नेक्स्ट इन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन द डिफॉर्मेशन आर कंसिडर्ड टू बी कॉज बाय तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में डिफॉर्मेशन किसके कारण होता है उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है आपका बेंडिंग मोमेंट कारण तो इट इज इन दिस मेथड इट इज एज्यूम डैट डिफॉर्मेशन आर कॉज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड इन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का ये जो है आपका एजम्पशन है नेक्स्ट ऑर्डिनेट इन अकुलर पॉलिगोन रिप्रेजेंट तो ऑर्डिनेट इनिकॉलिगोन रिप्रेजेंट करता है आपका बेंडिंग मोमेंट नेक्स्ट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेश स्पेस स्ट्रक्चर इज तो फॉर स्पेस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन होता है वो आपका होता है सिक्स इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ई ज्वाइंट ऑफ अर ज्वाइंटेड फ्रेम आर

यहां पर आपको क्या करना है आपको यहाँ मैक्सवेल मैक्समल थ्योरम अप्लाई करना है मैक्सम बेटिस डब्लू लोड लग रहा है इसी कारण यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है फिर जो अगर आप लोड को यहां लगा डिफ्लेक्शन यह यहाँ नापी है तो दोनों इक्वल होता है ओके सो डब्ल्यू इंटू डेल्टा सी इक्वल टू डब्लू इंटू फाइव एम एम ओके सो यहाँ पर एक जगह डब्ल्यू जीरो पॉइंट टू लग रहा है जीरो पॉइंट टू डब्लू इंटू फाइव तो डेल्टा तो आगे आपका वन एम एम आ जाएगा ओके नेक्स्ट बी पे तो वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट ए क्या होगा ए पे क्या सपोर्ट होगा ए पे जीरोक्शन जो है ये खुद ही लेगा बी तो यहाँ पर जो है आपको जीरो किलोमीटर

ये बीम दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका लेंथ एल है और फेटी है तो फिक्स एंड इज गिवन एज ट्रांसफर डिस्प्लेमेंट डेल्टा यहां पर ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा दिया गया इसको नीचे किया गया है सिंक किया गया है तो ट्रांसफर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ओके तो फिक्स एंड इज गिवन ट्रांसफर डेल्टा विदाउट एनी रोटेशन देन द रिएक्शन ट्रांसफर्स रिएक्शन जो यहां पर आ रहा है वर्टिकल रिएक्शन वो कितना तो वो हो जाएगा आपका ट्वेल्व ई आई डेल्टा बाय एल क्यू सिंपल बीम ऑफ लेंथ एल ओवर हैंंग है अगर पूरे पे यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है तो विल बी कब होगा जब यूनिफॉर्म लोड टोटल एंटायर स्पाइन पर लगा हुआ रहेगा तब मैक्सिम रिएक्शन सपोर्ट बी आएगा नेक्स्ट The element of fragility matrix of a structure, so element of fragility matrix of the structure, both 1 and 3 optional character means are dependent on the choice of coordinates and are always dimensionally homogeneous. So the element of fragility matrix are not necessarily dimensionally homogeneous as they represent either a translation or a rotation due to a unit, unit load or so a couple. इन लिमिटेड डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट फॉर फ्लेक्र द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम इज टेकन एज नाइन वेर एफ सीके इज करीट एंड एक्स यू इज डेथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप ऑफ द सेक्शन सो जो करेक्ट वैल्यू होगा आपका ऑप्शन होगा वो आपका जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एफ सीके इन टू एक्स्यू हो जाएगा इन लिमिटेटेड मेथड बैलेंस डिजाइन ऑफ एनफोर्स कॉन्क्रीट बीम गिव बैलेंस डिजाइन ऑफोर्स कॉन्क्रीट बीम क्या देता है आपको देता आपको स्मॉलेस्ट कॉन्क्रीट सेक्शन एंड मैक्सिम एरिया

द रिलेशन बिटवीन मॉडल्स एफ सी आर एग स्ट एफ सी एस एंड एफ सीट इज गन क्या होता है आपका इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका एफ सी आर इज मोर देन एफ सी एस इज मोर एस सी टी सो थैंक यू वेरी मच गायज फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो में हम यहीं रखते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे थैंक यू वेरी मच